हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। आपका मैथमेटिक्स का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको फुल सॉल्व पेपर मिलेगा असम टेट 2019 का। एलपी जो एलपी कैंडिडेट्स हैं, एलपी कैंडिडेट्स के लिए मैं पेपर लेके आया हूँ। इसके बाद अपर प्राइमरी अर्थात यूपी का भी पेपर मैं लेके आऊँगा, जिसमें आपको सोशल स्टडीज के 60 क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। उस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप एक बार रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि जितने भी नए नोटिफिकेशन वीडियो के मिले सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन पहले मिल सके। चलिए वीडियो को करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि चाइल्ड पैडागोगी, ये चार और जो टेस्ट चार जो पार्ट में एग्जाम हुए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी हो जाएगा पहला, सेकंड पार्ट में मैथमेटिक्स हुआ था, थर्ड पार्ट में इंग्लिश स्टडी हुआ था, फोर्थ पार्ट में लैंग्वेज टू इंग्लिश कंपलसरी हुआ था। तो चलिए मैथ्स के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए वीडियो को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैथमेटिक्स का पार्ट है। यदि एक त्रिकोण का प्रत्येक पक्ष उसके परिधि का एक तिहाई होता है, तो त्रिकोण किस प्रकार का होगा। देखिए, त्रिकोण पूछा गया है कि एक त्रिकोण का प्रत्येक पक्ष पूछा गया है कि एक तिहाई है, तो त्रिकोण किस प्रकार का होगा। तो आंसर मेरे हिसाब से समभुज होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से समभुज हो जाएगा, मतलब अर्थात इक्विलेटरल हो जाएगा। 32 का आंसर देखते हैं। 32 का क्वेश्चन पूछा गया है क्या, यदि किसी प्रवेश परीक्षा के लिए 200 विद्यार्थी आवेदन करते हैं, ठीक है ना, यदि किसी प्रवेश परीक्षा के लिए 200 विद्यार्थी आवेदन करते हैं, 200 विद्यार्थी, ठीक है ना, परीक्षा के लिए, तो 180 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहते हैं, जिसमें से 180 परीक्षा में उपस्थित रहते हैं, उसके बीच से केवल 70% परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तब परीक्षा में अनुत्तीर्ण पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर निकला है 54, आपका कितना है हमें जरूर कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 का क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक कक्षा के छात्रों को एक रेखा में खड़ा किया गया, एक कक्षा के छात्र मान लीजिए जितने भी हों उनको एक रेखा में खड़ा किया गया, एक छात्र की क्रम संख्या दोनों तरफ से 19वां थी, कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो मान लीजिए 18 छात्र हैं और इसमें 19वां है, तो 19वां है, 19 और 18 कितने हो जाएंगे, ठीक है, 19 और 18 कितने हो जाएंगे, 37 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें से आपसे ऑप्शन 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 33 का भी आंसर हो जाएगा बी। 34 का देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक संख्या 35% बढ़कर 189 हो जाती है, तब वह संख्या है कितनी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, एक 189 है, जो कि 35% पढ़कर 189 हो जाती है। मेरे हिसाब से मैंने जो किया है इसका आंसर, उसका इसमें कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर आया है इसमें 140, आपका कितना आया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 35 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण दोनों एक दूसरे को समकोण भाव में भाव से द्विभाजित करते हैं, तब एक चतुर्भुज एक किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस के बराबर होता है, रोम्बस की एक डेफिनेशन है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं, रोम्बस कैसा है, रोम्बस का डेफिनेशन हो गया, ट्रेपेजियम क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज क्या है, इसमें भी डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऊपर दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं, ऊपर दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं आपको करके दिखाना है। तो मैंने जब किया था इसमें कितने त्रिकोण बने हैं मेरे, तो मेरे 21 त्रिकोण बने हैं, ठीक है, 21 त्रिकोण बने हैं, आप कितने बने थे एग्जाम में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन का देखिए मैं डेफिनेशन के साथ आपको कर देता हूँ, 37 नंबर का क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया, एक आयत के क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्राइंगल के समान हो, जिसके किनारों की लंबाई 9 और 3 सेंटीमीटर हो, तो स्क्वायर कैसे हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका कैसा होगा, देखिए मैं डेफिनेशन करता हूँ, ए स्क्वायर हो जाएगा 11 इक्वल टू 27, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 27, तो 27 का हम लोग रूट कर देते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, हम लोग देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 27 आ गया, उसके बाद हम लोग को पता है कि रूट ओवर में 3 में 2 आ गए हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक 3 बाहर को ले दे सकते हैं, तो आंसर होगा फ्रेंड्स 3 √3, लेकिन इसमें कोई भी आंसर ऐसा नहीं दे रखा है, ठीक है, आंसर मेरे हिसाब से ए है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर 3 √3 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रॉन्ग है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यदि एक आयत की परिधि एक वर्ग जिसके प्रत्येक पक्ष 4 मीटर है के समान है, आयत की लंबाई और चौड़ाई किससे 3 गुना है, तब आयत का क्षेत्र होगा क्या होगा। 38 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी 12 मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से 12 मीटर स्क्वायर, आपके हिसाब से कितना है हमें कमेंट जरूर करिए। 39 का आंसर क्या है, एक टंकी में 50 लीटर पानी भर सकते हैं। एक टंकी है देखिए फ्रेंड्स, एक टंकी है जिसमें आपको 50 लीटर पानी भर सकते हो, ठीक है। वर्तमान टंकी केवल 30% भरा हुआ है, सिर्फ 30% भरा हुआ है। टंकी को 50% भरने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत होती है होगी, तो इसमें आपका 39 का आंसर हो जाएगा मेरा देखिए बी, 10 लीटर पानी 10 लीटर भरने की जरूरत होगी, ठीक है, पानी भरने की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे करना है डिस्कस, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग देखिए पूरा आप करके दिखाता हूं मैं आपको। ऐसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर ठीक है 10 × 4 + 4 × 4 − 6, ठीक है। मेरे हिसाब से ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको इसको हल करते हैं हम लोग, 40 हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा 16 − 6, इसको हम लोग ऊपर करते हैं, देखिए ऊपर में हम लोग करेंगे 40 प्लस 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा फ्रेंड्स 10, आंसर हो जाएगा 50। ये मेरा आंसर है, आपका कितना आया है जरूर हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए 41 में आपको बार ग्राफ का है, बार ग्राफ को आप अच्छे से डेफिनेशन करते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक परीक्षा के परिणाम को ऊपर दंड आ रेखा अर्थात बार ग्राफ से दर्शाया गया है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के नंबर 60% से अधिक है, तो इसमें आपको बता दूं मैं इसका आंसर हो जाएगा 20% आपका आंसर हो जाएगा। आपने ऑप्शन क्या टिक किया है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको देखकर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 का, 42 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक सिलेंडर का व्यास अर्थात देखिए डायमीटर पूछा गया है 5 सेंटीमीटर है और सिलेंडर की मात्रा जो वॉल्यूम है 650 सेंटीमीटर क्यूब रखी है, तब सिलेंडर की लंबाई कितनी होगी। 42 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेरे हिसाब से, इसमें आंसर है आपका 33 सेंटीमीटर, आपके हिसाब से क्या है हमें कमेंट करिए जरूर। 43 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 43 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक घड़ी का चार बज के बीस मिनट होता है, मिनट और घंटे की दोनों सुई के बीच का कोण कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं थीटा इज इक्वल टू 30 आवर − 11/2 मिनट। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे करना है, 30 × 4 − आवर में दे रखा है, आवर का जो कितना दे रखा है 4, ठीक है 11/2 मिनट, मिनट कितना है हमारा 20, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 120 इसमें कट जाएगा, देखिए 2 को हमने 20 को काट दिया 10 बार में, 11 × 10 = 110, ठीक है 110 हो गया, 120 में 110 गया तो कितना बचेगा 10 डिग्री। ये आपका आंसर है या नहीं हमें जरूर कमेंट करके बताइए, 10 डिग्री है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 का, तो 44 यदि एक संख्या का 100% 16 है तो उस संख्या का 50% कितना होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप करके देखिएगा इसका आंसर आपको निकलेगा 8 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, मेरे में था 15 लेकिन आपके में क्या था जरूर बताइए हमें। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 60 वर्ष है, यदि उनमें से 8 व्यक्तियों की कुल आयु 488 है तब बाकी 2 व्यक्तियों की औसत आयु खोज निकालिए, तो 45 से क्या होगा फ्रेंड्स 10 का 60% 600 हो जाएगा, 8 जन का कितना हो जाएगा 488, तो 2 जन का उसमें से निकालना है तो 112/2 कर देना है, क्या कर देना है 112/2, तो आंसर हो जाएगा 56, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं GHJLNQSWYD, इसमें आपको क्या करना होता है A to Z लिख लेना होता है, पहले A to Z लिख लेने के बाद आप उसमें से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आया है मेरा आंसर C आया है मेरा आंसर FL, आपका क्या आया है मैं कमेंट करके जरूर बताइए। 47 का क्या है, 47 लघुत्तम समापवर्तीय 4 / 3, 9 / 16 × महत्तम समापवर्तीय अर्थात HCF 4 / 3, 9 / 16, इसका आंसर मेरा कैलकुलेट करने के बाद आया है फ्रेंड्स A 3/4, आपका कितना आया है मैं कमेंट जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा 48 में क्या पूछना है, नीचे दी गई संख्याओं के भीतर प्रत्येक संख्या को खोज निकालिए, 48 का क्या पूछा गया प्रत्येक संख्या को खोज निकालिए, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अर्थात 78 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 का, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछे गया, NMEICT कौन से वर्ष से प्रारंभ हुआ था, तो आंसर मैं बता दूं इसका 2009 वर्ष से ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन,
यदि एक समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेज़ियम की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और समानांतर पक्ष का जोड़ 16 सेंटीमीटर, तब समलंब चतुर्भुज ट्रेपेज़ियम का क्षेत्र क्या होगा? उसमें क्षेत्र का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 50 का आंसर हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 15 का आंसर सी, सी अर्थात 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 51 का क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर वन नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए क्या पूछा, राज ने दो घोड़े प्रत्येक को 18,000 में बेचा है, उसे एक घोड़े में 20% लाभ और दूसरे में 20% का नुकसान भरना पड़ा, तो राज का कुल नुकसान या लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो 51 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 4% का लॉस हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको करके देखिए आंसर आएगा 4% का लॉस, ठीक है। 51 में, 51 का आंसर हो गया। 52 में देखते क्या क्वेश्चन है, यदि एक आयत की चौड़ाई और उसकी लंबाई से 10 मीटर कम है और उसकी परिधि 40 मीटर है, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी? देखिए, इफ विथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 मीटर लेस देन इट्स लेंथ एंड इट्स एंड द पैरामीटर इज 40 मीटर देन द विथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? 52 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका 52 का आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए 52 का आंसर हो जाएगा इसमें सी, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 15 मीटर, ठीक है। 53 का क्या पूछा गया है क्वेश्चन, यदि एक संख्या का दोगुना 200 का 60% के समान होता है, तब उस संख्या का आधा कितना होगा? 53 का बहुत ही सिंपली आंसर निकल जाएगा ए, इसमें 30 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें मैं बताने की जरूरत नहीं है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने के 27 आता है। यहाँ पर देखिए 4 को 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होता है? 64 आता है। वैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, दिमाग लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऊपर दिए गए आकृति कौन सी संख्या सभी ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री के आकारों में मौजूद है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बी जो है ना, ऊपर दिए गए जो संख्या है जो बी, जो चार भागों में जो डिवाइड किए गए हैं उसको आकृति की कौन सी सभी ज्यामिति ज्योमेट्री के आकारों में मौजूद है, ज्योमेट्री के आकारों में मौजूद है, चार भाग है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डी, देखिए 56 का आंसर हो जाएगा डी, कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की संख्या असंख्य होती है, उसकी संख्या होती है ना असंख्य होती है, 56 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मान लीजिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम और एचसीएफ क्रम 276 और 3 है, यदि उसके एक संख्या का एक तिहाई 23 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 12 हो जाएगी, ठीक है, दूसरी संख्या 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है, दो बिंदुओं के बीच से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक रेखाएं खींची जा सकती है। 59 का देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बड़े रक्से का आयाम अर्थात डायमीटर डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है, उसके छोटे घनों अर्थात क्यूब्स जिसके पक्ष 6 सेंटीमीटर से भरा गया है, यदि प्रत्येक घन क्यूब बक्से में 25 चॉकलेट है, तब बड़े बक्से में कितने चॉकलेट हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 59 का आंसर हो जाएगा 11,250 चॉकलेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एक तो हो नहीं सकता, एक गुणे एक, दो एकमे दो, तीन एकमे तीन, तो लेकिन आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा 4, जो कि कंपोजिट संख्या है, सबसे छोटी कंपोजिट संख्या हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।